सरकार गांधी घराण्याच्या इशाऱ्यावर चालत असल्याचं आजच्या प्रकरणावरून स्पष्ट झाल्याची टीका भाजपनं केली. यावरून आजपर्यंत युपीए सरकारमध्ये झालेले घोटाळे गांधींच्याच इशाऱ्यावरून होत असल्याचा आरोप केला जातोय. तर जेडीयूनं मात्र या निर्णयाचं स्वागत केलंय. विपक्ष है उसकी भावना को दरकिनार करते हुए, पूरी यूपीए कोएलिशन है उसके पार्टनर्स की जो निर्णय की प्रक्रिया में भागीदारी है उसको दरकिनार करके, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को दरकिनार करके, आज केवल मात्र एक व्यक्ति के चाहने से कि वो इतने पावरफुल हैं कि अध्यादेश वापस करने की प्रक्रिया हुई है. इससे प्रमाणित होता है कि 9.5 साल जो देश के अंदर भ्रष्टाचार कुशासन चला है उसके पीछे भी वही ताकतवर शक्ति रही है. फैसला अच्छा है, देश हित में है और समाज हित में है, और इससे मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में राजनीति में और अफसरशाही में इसका संदेश जाएगा और अच्छा संदेश जाएगा, इसलिए हम इसकी स्वागत करते हैं. जी 24 तास एक पाउल पुढ़े.